बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी छुई मुई। सुबह की हवा देह पर ऐसे लिपटती है जैसे रात भर बेचैन रही हो, इंतजार में हो कि अलसाई भोर में जब कोई उठकर छज्जे पर आए तो वो उसे छू ले। अरसे बाद ऐसी हवा आज मुझे छू रही थी। सालों बाद मैं नानी के कस्बे में था, जाने कब से ऐसी सुबह नहीं देखी। ये सूरज का नारंगीपन, हवा की ठंडक, भोर वाली खुशबू। मैंने गहरी सांस भर ली। सार्थक, जल्दी उठ गया बेटा? नानी की आवाज सुनकर मैं पलटा। हाँ, जल्दी नींद खुल गई। हवा से माथे पर छिटकाए बाल संभालते हुए मैंने कहा, कौन सा दफ्तर जाना था तुझे, सोता रहता। कहते हुए उन्होंने मेरी हथेली में प्रसाद रख दिया, मिश्री थी। प्रसाद खाकर उनके आंचल से हाथ पोंछते हुए मैंने कहा, यहाँ काम में हाथ बटाने आया हूँ, आराम करने थोड़े। आपकी शादी की गोल्डन जुबली है भाई, कोई आम फंक्शन थोड़े है। परसों थी नानी नानू की शादी की 50वीं सालगिरह। सुबह शिव विवाह और उसके बाद भंडारा था। माँ पापा को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने मुझको जल्दी भेज दिया ताकि काम संभाल सकूं। परसों सुबह की आमद थी उनकी। नानी अपने काम में लग गईं और मैं तैयार होकर आंगन में उतरती सीढ़ियों पर बैठ गया। आदतन, बचपन की कुछ आदतें बदलती नहीं हैं, भले ही हम बड़े हो जाएं या फिर बुजुर्ग ही हो जाएं, तब भी। जैसे चाय के दो आखिरी घूंट छोड़ने वाली नानू की आदत, नानी की बार बार हाथ धुलने की आदत, मेरी सीढ़ी पर बैठकर ठीक मेरे आगे बैठी छुई मुई की चोटी खींचने की आदत। तेरा नाम प्रज्ञा नहीं छुई मुई होना चाहिए, मेरे कानों में अतीत फुसफुसाया। छुई मुई नाम बुदबुदाते हुए मैं आगे वाली खाली सीढ़ी देखने लगा, उसे सोचने लगा। कुछ जगहें लोगों के नाम से हो जाती हैं, जैसे पापा की कुर्सी, भैया का पलंग अलमारी, माँ का कोना। नानी, कोई काम बताओ ना, हलवाई का, बाजार का, मैंने वहां से अपनी नजरें हटाते हुए पूछा। अरे कोई काम नहीं है, अपनी प्रज्ञा है ना, उसने संभाला हुआ सारा, नानी ने चाय का प्याला पकड़ाते हुए कहा। वो आई है क्या ससुराल से? कल रात से तो एक बार भी नहीं दिखी। उसे पता तो होगा ना कि मैं आया हुआ हूं, या बचपन के दोस्त को भूल गई वो? मैं और उलझता कि नानी की आवाज ने टोका, ये ले आ गई, अभी तेरे बारे में बात हो रही थी। नानी को सुनकर मेरी निगाहें दौड़कर दरवाजे पर ठहरी और फिर फिसलने लगीं। उसके बॉर्डर वाले सूट पर, उसके अधखुले बालों और कान के पीछे झूलती लंबी लट पर, कलाई के कंगन और उस पर फिरती उंगलियों पर। मेरे हाथों में कुलबुलाहट होने लगी कि उसकी चोटी खींच दूं या वो कदम बढ़ाए तो अड़ंगी लगा के गिरा दूं। लेकिन मैं रुका रहा, सलीकेदार दिखना था ना मुझे, आखिर इतने सालों बाद अपनी दोस्त के सामने था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। तो भैया, मैं कहाँ तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा
यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।